बहरहाल चूंकि बीमारियों की लिस्ट का सेशन नहीं है, सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी का, तो मैं सिर्फ एक बीमारी की बात बताऊंगा आपको। वैसे आप में से किसी ने सोचा है तालियां क्यों बीमारी है? जरा जस्ट एक IQ चेक कर लूँ सबसे एंड में सर। वो जो चार भाई आपस में मेरी गिफ्तें करें वो खैर है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। पहले मैंने आपसे कहा दिस इज समथिंग विच इज गुड एक्टिविटी और प्रॉक्सी लगी हुई जी। लास्ट मैन सर, लास्ट। नहीं नहीं, उसका मतलब क्या है तालियों के काम करने का क्या मतलब है? तो तालियों के लिए काम करने का मसला क्या है? एडिक्शन होती है। वीडियो देख के आए हो? एडिक्शन नहीं नहीं, असली में मसला बताओ, मसला जी। किसने बोला सर? जी बेटा, तो उससे मसला क्या है? क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा ने कहा कि हम लोगों की अप्रूवल के लिए काम कर रहे हैं, अगर तालियां बजवा रहे हैं। सही जगह पे पहुंच गई आप, मगर स्टेशन नहीं आया, ट्रेन सही ट्रैक पे है, स्टेशन तक पहुंचाए ना इसको। मसला क्या अप्रूवल में? ट्रेन को घुमाना नहीं है, स्टेशन तक लेके जाना है जी। ये बात, क्या नाम है आपका? तो डॉक्टर जैनब, कितने करीब आके जाया हो गए सारा पंछी, सोने का था पता चला जिंदा है। डॉक्टर जैनब नहीं आपका नाम, आपका नाम जैनब है, ये भी तालियों वाली बीमारी है ना। सोचे देखा कितनी डीप बीमारी है, तालियों की बीमारी की बात तो तालियां। सोचा कभी गिनीज बुक में नाम होना चाहिए मेरा, मेरे साथ ऐसे हुआ है। डॉक्टर जैनब या जैनब, मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है? जैनब या, मगर आप हर एक को डॉक्टर जैनब क्यों बुलाएंगे? क्योंकि ना तो बहुत जरूरी नुकता यहां पे आ गए, तो क्या पता वायरस यहीं से निकल आए। डॉक्टर जैनब क्यों बुलाना पड़ता है हमें? डॉक्टर जाकिर नायक क्यों बोलना पड़ता है? रिस्पेक्ट है किसकी? लोगों की। लोग डॉक्टर की रिस्पेक्ट करके बात सुनेंगे, है ना? डॉक्टर जैनब आप तब बोलेंगी जब आप अस्पताल में होंगी, वहां पर मतलब है डॉक्टर जैनब का, क्योंकि वहां पर डॉक्टर जैनब और नर्स जैनब में फर्क करना पड़ता है, किसको? मरीज को। माइक पकड़ के स्टेज पे खड़ा हूं, मेरा नाम डॉक्टर साहिल अदीम है।